सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि कैसे हमने बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसको पहले हम लोग जानते हैं। सो बच्चों समझिएगा, देर आर टू काइंड्स ऑफ बफर। कन्वेंशनली देर आर टू काइंड्स ऑफ बफर, इनफैक्ट इन रियलिटी कॉम्पिटेटिव लेवल पे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं चार तरह के बफर होते हैं, लेकिन कन्वेंशनली स्कूल लेवल पे जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं बच्चों दो तरह के बफर होते हैं। कैसे बच्चों दो तरह के बफर होते हैं? वीक एसिड, एक एसिड लिया आपने HA, ठीक है, वीक एसिड, और बच्चों इसी एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड, salt of same weak acid with a strong base. strong base बच्चों लीजिए NaOH लीजिए और इस NaOH का इसके साथ reaction करा दीजिए। So NaOH बच्चों जब हमारा HA के साथ react करेगा, बच्चों NaOH जब हमारा HA के साथ react करेगा, it will make salt Na plus A minus and H2O. ठीक है, and salt of same weak acid with strong base NaOH. So Na plus and A minus. So ये दोस्तों हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो salt of same weak acid with strong base Na plus A minus, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, so इस तरह से बफर आप बना सकते हैं। और कैसे भाई बफर आप बनाओगे? बफर भाई और कैसे बनेगा? बफर एक दूसरी तरह से बनेगा। वीक बेस आपने लिया है बच्चों BOH एंड salt of same weak base, and bachcho salt of same weak base with strong acid. ठीक है, ये आपने लेना है। और जैसे कि अगर मैं इस BOH को बच्चों HCl से रिएक्ट करा दूं, then they will form water and they will make salt B plus Cl minus. Yes, same. बच्चों मैंने आपको जैसे next video, last video में बताया था कि buffer में हमारे जो खुद के acid और base components हैं, वो आपस में react नहीं करेंगे, क्योंकि common ion effect इनको ऐसा करने से रुकेगा. So they both have common ions. बच्चों देख सकते हैं, salt में भी common ion है, acid में भी common ion है, और हमारे base और उसके salt में भी common ion है. So common ion का होना is the key for buffer solution preparation. ये बच्चों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बफर के प्रिपरेशन का। देयर मस्ट बी अ कॉमन आयन, दोनों में बच्चों एक कॉमन आयन होना चाहिए जो इनको आपस में रिएक्ट करने से रोकेगा। अब आइए चलिए बच्चों देखते हैं कि कैसे बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। आइए अब इस चीज को जानते हैं हम लोग। सो अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि कैसे बच्चों बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, हाउ कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन बफर सॉल्यूशन। आइए बच्चों इस चीज को मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अगर आपको मेरे सॉल्ट वाले वीडियो को आपने देखा होगा, जो आई रिकमेंड यू, क्योंकि सारी चीजें बच्चों सीक्वेंशली होती हैं। पहले आपने वीक एसिड वीक बेस को समझना है, एसिड बेस को समझना है, फिर सॉल्ट को समझना है, फिर बफर को समझना होगा। डायरेक्टली बफर पे मत कूदिएगा, इतनी ज्यादा हड़बड़ी बच्चों पढ़ाई में सही नहीं होती है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज बनाए हुए, एकदम से एकदम आप देख सकते हैं चीजें। ठीक है, सो अगर बच्चों आप लोगों ने मेरे सॉल्ट वाले वीडियो को देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि मैंने वहां पे एक शब्द यूज किया था कि सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर सॉल्ट हमारा एसिड या बेसिक है तो कभी भी बच्चों जो सॉल्ट होगा वो कोई भयानक एसिड या भयानक बेस नहीं होगा। सॉल्ट्स आर ऑलवेज माइल्ड एसिड या माइल्ड बेस। इनफैक्ट बच्चों जो मैंने लाइव एग्जांपल किया था, तो मैंने सॉल्ट का जो आयंस था उनका के भी निकाला था, 10^-4, -9 इस तरह से आ रहा था। नन ऑफ द के इज इन्फिनिटी, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे हल्के फुल्के एसिड या हल्के फुल्के बेस होते हैं। अब आइए इस चीज को मैं आपको अप्लाई करता हूँ। सो सबसे पहले मैं बच्चों बफर का केस वन लेता हूँ, पहले टाइप का बफर, वीक एसिड HA और उसका सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट Na plus A minus। ठीक है दोस्तों, ये चीज। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास एक वीक एसिड है जिसका K है कितना, 10^-5 है, तो इसका जो Kb होगा वो कितना होगा, Kw upon Ka, जो कि हमारा
10 टू द पावर माइनस 9 हो जाता है, माइनस 14 अपॉन माइनस 5 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये बच्चों एक एसिडिक है और ये एक बेसिक है, ठीक है। ये हल्का फुल्का एसिड है, ये हल्का फुल्का बेस है। ये क्यों बेस है? क्योंकि आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होता है, तो ये बच्चों एक बेसिक सॉल्ट है, ये बच्चों एक बेसिक सॉल्ट है। अब यहां पर बच्चों मेरा डर क्या है? मेरा डर ये है कि बफर में जो एसिड और बेस है, क्या ये आपस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन होती है, तो क्या ये बच्चों एसिड और बेस आपस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे? आइए देखते हैं। सो बच्चों ये हमारे पास एच ए है और ये हमारे पास एन ए प्लस ए माइनस है। अगर हमारा ये एच ए है तो ये हमारा एन ए प्लस ए माइनस है। चलो रिएक्ट करा देते हैं। रिएक्ट करेंगे तो एसिड क्या करेगा बच्चों? एच प्लस देगा। चलो सो आपने बच्चों यहां से एच प्लस निकाला, चलो निकाल लिया आपने एच ए से एच प्लस, एच ए से आपने एच प्लस निकाल दिया, इट्स एन एसिड तो इसने एच प्लस दे दिया। और ये ए माइनस क्या करेगा? ये बेस है तो एच प्लस लेगा। ये जो ए माइनस है ये एच प्लस लेगा, ठीक है। अब ये एन ए प्लस क्या होगा? ये हमारे इसके साथ रुक जाएगा। अरे ये क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ बच्चों? यही तो हुआ बफर। बच्चों बफर में आपने अगर रिएक्शन आप कराओगे भी, अगर आप इस कंसेप्ट के साथ चिपक जाते हो कि सर आपने कहा था कि सर एसिड बेस की रिएक्शन दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन है, भाई मेरी कोई भी चीज गलत नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, कर लो भैया कर लो रिएक्शन, मना नहीं किया मैं, अपनी बात को काट नहीं रहा हूं। ये नहीं कि आज कुछ बोला कल कुछ और बोलूंगा, नहीं, कंसेप्ट कभी मैं चेंज करने के लिए नहीं बोलता हूं। मुझे चेंज कर देना, कंसेप्ट मत चेंज करना यार, बड़े मुश्किल से कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। सो अगर बच्चों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कराते भी हो तो भी बच्चों नेट रिएक्शन जीरो है, क्योंकि एक एसिड गया तो एक एसिड आ गया, एक बेस गया तो दूसरा बेस आ गया। सो नेट बच्चों इनमें रिएक्शन जीरो होगी, यही तो बच्चों बात। और अगर मैं केस टू लेता हूं, अगर मैं बच्चों केस टू लेता हूं, मैंने लिया बच्चों बेस BOH और उसका एक सॉल्ट, ये हमारा बेस है और ये उसका एसिडिक सॉल्ट है। सो मेरे समझदार बच्चों, बेस ने OH माइनस दिया, एसिड ने OH माइनस लिया, OH माइनस देने के बाद वो हो गया B प्लस जो कि Cl माइनस आर अटैच हो जाएगा, और इसने OH माइनस लिया बीइंग एसिड, इसने OH माइनस लिया तो ये BOH हो गया, नेट रिएक्शन यहां पर भी जीरो। सो बफर में जो आप बच्चों एसिड और बेस डालेंगे, मेक श्योर उनमें क्या होना चाहिए बच्चों? अपने आप से बोलिए कॉमन आयन। उनमें क्या होना चाहिए बच्चों? कॉमन आयन, कॉमन आयन होना चाहिए, और कॉमन आयन के कारण उनमें बच्चों आपस में रिएक्शन जीरो हो जाती है। कॉमन आयन के कारण उनमें आपस में नेट रिएक्शन जीरो होगी, ये बच्चों यहां पे मजेदार बात होती है। हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो भाई चलिए उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। सो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बच्चों कैसे होगा, अब आइए चलिए इस चीज को हम लोग, इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। बच्चों बफर सॉल्यूशन का पीएच कभी भी हमने कैलकुलेट करना होता है तो प्लीज बच्चों याद रखना, जैसा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस में बोला था, इक्वेशन मत बनाने लगना ना, इक्वेशन बनाने लगोगे तो मैटर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको पास बफर आ गया है, अगर बच्चों आपने बफर प्रिपेयर कर लिया है, तो अब बच्चों इस बफर में पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन नहीं बनानी होगी, बल्कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। सो कैसे ये काम होगा इसको मैं बताता हूं। बच्चों पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, दोस्तों पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन नोन एज हेंडरसन, नोन एज हेंडरसन हेंडरसन हेजलबाल्क इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी इक्वेशन होती है। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन? बच्चों आपने पहले बफर में देखना हो कि आपके पास कौन सा केस है। आपके पास वीक एसिड प्लस सॉल्ट वाला बफर है, आपके पास बच्चों वीक एसिड प्लस सॉल्ट वाला बफर है, तो ऐसे में हेंडरसन इक्वेशन हो जाती है पीएच बराबर पीकेए। व्हाट इज दिस पीके? बच्चों ये वीक एसिड का पीके है, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ये जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है इसको आप सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कई बार कह देते हैं, बट बच्चों प्रिसाइजली स्पीकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस आयन जो कि सॉल्ट से आ रही है वो, एंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एच ए, ठीक है दोस्तों। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन
अपॉन एसिड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, इनमें से बच्चों कोई भी एक चीज आप लोगे. सो टू मतलब टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्या कहते हैं कंफ्यूजन, मैं इसको ये कर दे रहा हूं. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ए माइनस अपॉन एसिड, ठीक है, ये आप कह सकते हो. और या फिर बच्चों इसको आप सिंप्लीफाइड वे में ये भी कह सकते हो जो मैंने बोला आपको, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड. ये दोस्तों आपको सवाल में इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपने पहचाननी होगी या दी होगी, और इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो डायरेक्टली यू विल गेट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन. यस, डायरेक्टली यू विल गेट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन. आपको बच्चों डायरेक्टली बफर सोल्यूशन का पीएच मिल जाएगा. और इसमें बच्चों एक दूसरा केस होता है, केस टू. इसमें एक दूसरा केस होता है केस टू. केस टू में दोस्तों सीन क्या होता है हमारे पास, हमारे पास वीक बेस, हमारे पास बच्चों वीक बेस क्या BOH है और उसका सॉल्ट है B प्लस Cl माइनस है. तो ऐसे में जो हेंडरसन इक्वेशन है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं अगर बेस है तो POH पहले निकालोगे, POH बराबर PKB प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन बेस, या फिर पी एच बराबर पी के बी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. ठीक है, ये बच्चों आप लोग यहां पे काम करोगे. ठीक है, तो अगर एसिड वाला बफर है तो ये वाली हेंडरसन इक्वेशन, और अगर बच्चों बेस वाला बफर है तो ये वाली इक्वेशन, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ये, वीक बेस प्लस सॉल्ट ये. पहले पीओएच निकालोगे, और अगर इस सवाल में आपको पीएच निकालने को बोलता है तो हमेशा की तरह पीएच कैसे आएगा, 14 माइनस पीओएच करके. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा बफर का हमने पीएच निकालना होता है. तो ये हमारा पीएच निकालने का फॉर्मूला है. अब हम लोग बच्चों अगले वीडियो में आते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमने एक लाइव एग्जांपल के द्वारा इस इक्वेशन को अप्लाई करना सीखते हैं. सो लाइव एग्जांपल अब देखते हैं जिसमें कि हम लोग बफर के फॉर्मूले को अप्लाई करना हुआ देखने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए.